वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी पावर का पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चन। आज फिर कुछ क्वेश्चन हम एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, और पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है वर्क एनर्जी पावर का, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड ऑन ए प्लाईवुड एंड इमर्जेज विद ए 40 मीटर पर सेकेंड, द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। सो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? अगर क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज एम वी स्क्वायर, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2, मास इज इक्वल टू, दिस इज 0.05 इंटू वेलोसिटी, सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू कितना, दिस इज 100। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? सो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास इज इक्वल टू 0.05 इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज 40 इंटू कितना हो जाएगा 40। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, सो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अगर हम परसेंट देखो, वेलोसिटी अगर डिक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, सो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें यहाँ पे, सो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू होता है बेटा, जो परसेंटेज लॉस हुआ है यहाँ पे, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू कितना 100। सो सबकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से 100 जाएगा ये 25, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 25, दिस इज 25, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 250, ठीक है, इतना जूल हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये तो 250 आ जाएगा और ये आ जाएगा फाइनल 8 जूल आ जाएगा। सो लॉस इन, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बेटर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100%। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली बेटा दिस इज इक्वल टू 84% आपका आंसर आएगा, जो लॉस करेगा वो 84% करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 26 को देखें हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है, फोर पार्टिकल ए बी सी डी ऑफ मास एम बाई टू एम टू एम फोर एम हैव सेम मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, मोमेंटम सबका सेम है, द काइनेटिक एनर्जी विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज करो, देखो 1/2 कितना होता है एम बी स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज करो 1/2 m, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर कितना होता है मोमेंटम, सो काइनेटिक एनर्जी इज करो दिस इज पी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 m हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका मोमेंटम सबका सेम है, मोमेंटम सबका क्या है सेम, तो अगर मोमेंटम सबका सेम है तो सो मोमेंटम जो सबका है सेम बेटा, तो मास पे डिपेंड करेगा, तो मास मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 मास हो जाएगा, तो मास सबसे कम किसका है बेटा, तो m बाई टू सबसे कम है, मतलब कि ए पार्ट का, तो ए का काइनेटिक एनर्जी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 27 को देखें, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 36 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू, द परसेंटेज इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा 36 टाइम्स हो गया ओरिजिनल का, तो मोमेंटम में कितना चेंज आ जाएगा, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। फिर से यही रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज पी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 m, सो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था बेटा, लेट दिस इज इक्वल टू k था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था k, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 36 ऑफ k हो जाएगा। सो मोमेंटम इनिशियल मान लिया जाए p था, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, दिस इज पी एफ है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सो अगर यहाँ से देखें हम तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 km होता है, सो दिस इज पी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 km हो जाएगा, सो फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा दिस इज पी एफ, सो रूट अंडर दिस इज 2 × 36 km हो जाएगा, सो दिस इज 6√2 km हो जाएगा, मतलब पी एफ जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 6 times ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, मतलब कि आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम पूछा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, सो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम,
इसकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू चेंज कितना हो जाएगा, दिस इज 5p, इनिशियल कितना था p, इनटू दिस इज कल टू 100, सो दिस इज कल टू 500% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखो पावर से रिलेटेड है। बॉडी ऑफ मास 2 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ इज कल टू 60 i cap + 60 square j cap newton, द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी इज गिवन बाय, सो मास इज कल टू कितना गिवन है, दिस इज कल टू 2 kg गिवन है, एंड फोर्स इज कल टू कितना होता है, दिस इज मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, सो दिस इज कल टू यहाँ पे मास टू और एक्सेलेरेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो और ये गिवन है फोर्स, आपको यहाँ पे गिवन है फोर्स इज कल टू, दिस इज कल टू 60 i cap + 60 square एंड दिस इज कल टू j cap गिवन है। सो अगर एक्सेलेरेशन हम निकालें तो एक्सेलेरेशन इज कल टू दिस इज फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा, सो दिस इज 60 i cap + 60 square j cap एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, सो दिस इज कल टू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज कल टू दिस इज कल टू हो जाएगा यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन इज कल टू डी वी अपॉन कितना होता है डी टी, सो दिस इज कल टू 60 i cap। अच्छा इसको 2 को डिवाइड भी अगर कर लें तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा ये दिस इज 3 t i cap + 3 t square दिस इज कल टू j cap। सो अगर हम वेलोसिटी यहाँ से निकालें तो डी वी इज कल टू दिस इज कल टू 3 t i cap + 3 t square j cap इंटू कितना हो जाएगा डी टी, इंटीग्रेट कर लो तो वेलोसिटी इज कल टू यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे सो दिस इज कल टू 3 t square, वेलोसिटी अगर हम निकालें यहाँ से तो वेलोसिटी इज कल टू दिस इज कल टू 3 t square, तो वेलोसिटी इज कल टू अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो दिस इज 3/2, दिस इज t square i cap + दिस इज कल टू 3 t³/3, सो दिस इज 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे दिस इज t³ j cap, ठीक है। सो व्हाट इज पावर, तो पावर इज कल टू दिस इज कल टू एफ डॉट कितना होता है, सो डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो फोर्स इज कल टू कितना था, फोर्स इज कल टू दिस इज कल टू 60 i cap + दिस इज कल टू 60 square j cap एंड डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दिस इज कल टू 3/2, दिस इज कल टू 3/2, सो दिस इज कल टू एफ डॉट वी एंड वी इज कल टू कितना हो जाएगा, वी इज कल टू हम देखें वेलोसिटी, सो दिस इज कल टू 3/2 एंड दिस इज कल टू t² i cap एंड प्लस दिस इज कल टू t j cap। जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज कल टू 9 t³ एंड प्लस 6 + 6 t²5 एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वाट आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर।